Hello student, welcome to Sentences online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 12th biology chapter 5 principle of inheritance variation. Next lecture number 14, jisme hum discuss karenge beta about pedigree analysis. First part hum padhte hain, pedigree analysis hota kya hai beta. Ek aisa analysis hai jisse hum inheritance of trait in a family आराम से find out कर सकते हैं. Pedigree analysis ही है जिसकी help से हम किसी family के अंदर genetic जो disorder होता है, जो genetic disorder means जो बीमारियाँ होती हैं, उन्हें हम recognize कर सकते हैं. ठीक है बेटा, सबसे बड़ी बात इसको करने के लिए हम लोग कुछ symbols use कर लेते हैं. पहले symbol समझते हैं क्या symbol है. जैसे बेटा ये जो square दिखाई दे रहा है, square represent male. जो सर्कल है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. अगर बेटा स्क्वायर या सर्कल डार्क है, शेडेड है, तो मतलब वो अफेक्टेड है, मतलब वो बीमार है. ठीक है बेटा, अगर वो सिंपल है मतलब वो नॉर्मल है. ठीक है, अच्छा अगर दोनों मेल और फीमेल कोई सिंगल आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसो करता हूँ कि बीच मेटिंग है. मेटिंग का मतलब ही दिया हस्बैंड वाइफ. ठीक है बेटा, अब उनके पास डबल लाइन है मतलब क्लोज रिलेटिव्स है, मतलब कहीं ना कहीं उनके बीच एक रिलेशनशिप उनके जो एंसेस्टर में रहा हो, तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ बातें बेटा और ध्यान रखना है, अगर वो इस तरीके से काइट का फॉर्म लेता है, इसमें सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है. कई बार क्या होता है बेटा, हम स्क्वायर बना करके उसके अंदर नंबर डालते हैं, लाइक 5 लिख दिया, मतलब ऐसे 5 इंडिविजुअल होते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है. हम 5 बॉक्स ना बना करके उसके अंदर 5 लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा बेटा, जो ये डिसऑर्डर्स हैं, आपको पता है ये सेक्स क्रोमोजोम होता है. क्रोमोजोम दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोजोम. अगर ऑटोसोम मतलब फर्स्ट से लेकर 44 तक क्रोमोजोम कोई अफेक्टेड होता है, क्रोमोजोम 1, 2, 3, 4 या 5 ऐसे कुल मिला के 44 क्रोमोजोम अगर कोई भी अफेक्टेड होता है, तो उसे ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहा जाता है. और अगर बेटा सेक्स लिंग लाइक एक्स अफेक्टेड होता है या वाई वाला अफेक्टेड होता है क्रोमोजोम, अफेक्टेड का मतलब उसमें जीन है, जीन का मतलब डीएनए का एक हिस्सा होता है जिनमें म्यूटेशन हो जाता है, चाहे केमिकल की वजह से या रेप्लिकेशन एरर आ जाता है, तो नए कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं जिन्हें हम डिसऑर्डर्स कहते हैं. ओके बेटा, कुछ है हमारे पास ये ऑटोसोमल डिजीज का आज इस पार्ट हम पढ़ेंगे. बाकी नेक्स्ट पार्ट में कैसे हम पेडिग्री एनालाइज करते हैं वो हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. इस पार्ट में आप ध्यान दीजिए बेटा, ये हस्बैंड वाइफ हैं, ये पहली जनरेशन होगी, जनरेशन फर्स्ट. ठीक है, जनरेशन फर्स्ट. उसके बाद बेटा ये इनके जो ऑप्शन बना रहा हूँ नंबर 1, 2, 3 या 4, ये चारों इनके यंग वन है, इनके ऑफस्प्रिंग है. अगर ध्यान दोगे तो ये फीमेल है, 2, 1, 2, 3 दो मेल है और 2 फीमेल है. अच्छा फर्दर देखो, इस मेल की शादी नॉर्मल मेन से हो, नॉर्मल फीमेल से होती है, तो इसके जो ऑफस्प्रिंग है सभी नॉर्मल आते हैं. इसके पास 2 गर्ल्स है मतलब फीमेल है, 1 मेल है. अच्छा बेटा इधर देखो, ये फीमेल अफेक्टेड है, बीमार है, इसकी शादी नॉर्मल से होती है, नॉर्मल मेल से होती है, तो जो अफेक्टेड आप देख पा रहे हो इसकी जनरेशन में नॉर्मल मेल मिला, अफेक्टेड फीमेल आई और नॉर्मल मेल मिला. आपने देखा जनरेशन कोई भी हो, खूब ध्यान से देखना, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो कहीं ना कहीं अगर हर जनरेशन अगर अफेक्टेड मिलता है बेटा, हर जनरेशन अगर अफेक्टेड मिलता है, पहली जनरेशन भी, सेकेंड में भी, थर्ड, अगर हर जनरेशन अफेक्टेड मिलता है तो वो डिजीज ऑटोसोमल तो है ही, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसी तरह का डिसऑर्डर है. नेक्स्ट यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, ये नॉर्मल है, आप देख रहे हो पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, इस जनरेशन अफेक्टेड है, अगला अफेक्टेड मगर एक अफेक्टेड नहीं है, इसलिए बेटा ये बन जाता है क्या, रिसेसिव डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया. और कैसे होता है विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट. ओके बेटा.